नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि ब्योल मैग्नेट्स को किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्लस्टर मैग्नेट को किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्या उनका यूज है, बार मैग्नेट कैसे यूज करते हैं, स्टार मैग्नेट्स कैसे यूज किए जाते हैं और आपका चक्रा मैग्नेट का उपयोग किस तरीके से किन किन प्रॉब्लम्स में कैसे कर सकते हैं। तो पहले चक्रा मैग्नेट को जान लेते हैं, कि मैग्नेट कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं और क्या उनका यूज किस तरीके से किया जाता है, यानी कि सेडेशन और टोनिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, किस मैग्नेट का उपयोग करते हैं। दोस्तों, सारे मैग्नेट्स आपके सामने हैं, ये क्लस्टर मैग्नेट्स हैं, ये स्टार मैग्नेट्स हैं, ये स्टार मैग्नेट्स हैं बड़े साइज के, ये आपके ब्योल मैग्नेट्स हैं, इनको बार मैग्नेट्स कहते हैं, ये लंबे होते हैं, ये ब्योल मैग्नेट्स हैं लेकिन इनका साइज थोड़ा बड़ा है, तो ये आपके चक्रा मैग्नेट्स होते हैं। इस तरीके की मैग्नेट्स की वेराइटीज होती हैं। तो हम एक एक करके मैग्नेट्स को समझते हैं और उनका यूज समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं चक्रा मैग्नेट। ये एक ही मैग्नेट के अंदर 5 मैग्नेट चिपके हुए होते हैं और दूसरी तरफ से ये फ्लैट होता है। तो यहाँ पर हम टेप लगाएंगे और किसी भी पॉइंट पे हमें जब लगाना होता है तो इस पॉइंट को हम स्किन से टच कराते हैं, जो कि हमारा ये सिल्वर कलर के हमारे बने हुए हैं, इस एरिए को हम लोग टच कराते हैं, मैग्नेट आपस में चिपक जाते हैं। टेप ली, टेप के एक तरफ हमने मैग्नेट को चिपका दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने मैग्नेट को चिपका दिया। अब हमें किसी भी पॉइंट पे लगाना है तो उस पॉइंट पे हम पहले प्रेशर करेंगे, ठीक है। किससे कर सकते हैं हम प्रेशर? प्रेशर हम हाथ से कर सकते हैं, प्रेशर हम जिम्मी से कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये सर्वाइकल एरिया पे मैं कर रहा हूँ, तो मैं एक पॉइंट को चेक करूँगा कि किस पॉइंट पर पेन ज़्यादा फील हो रहा है, फिर उस पॉइंट को पर्टिकुलरली चेक करूंगा किस पॉइंट पे ज़्यादा पेन फील हो रहा है, किस एरिया में ज़्यादा पेन फील हो रहा है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि इस एरिया में पेन ज़्यादा हो रहा है या इस एरिया में पेन ज़्यादा हो, तो उस एरिया को पूरा कवर करने के लिए हम लोग स्टार मैग्नेट को ठीक उसी पॉइंट पे लगा के टाइट से चिपका देते हैं। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सा दबाएंगे हल्के से, इसको ज़्यादा दबाएंगे तो पेन करने लगेगा ज़्यादा, और वो ज़्यादा देर तक पेन करेगा, तो इसको हल्का दबाना क्योंकि ऑलरेडी आप पॉइंट को दबाकर एक्टिवेट कर चुके हो। अब इस पॉइंट को दबाकर ऐसे छोड़ दीजिए और टेप को थोड़ा सा टाइट बांध दीजिए। अब क्या है, ये उस पॉइंट को कंटिन्यू प्रेस करके रखेगा। क्लस्टर मैग्नेट से एक बड़ा एरिया कवर हो जाता है एक ही मैग्नेट से, तो बेसिकली जिस एरिया में आपको पर्टिकुलर पेन था वो एरिया चेक करके आपने उसके ऊपर क्लस्टर मैग्नेट को लगा दिया है। तो क्लस्टर मैग्नेट को इस तरीके से लगाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टार मैग्नेट को। स्टार मैग्नेट हमारे पास दो साइज के हैं, एक है मीडियम साइज और एक है हमारे पास लार्ज साइज। पहले हम मीडियम साइज देखते हैं। जैसे मैंने आपको सर्वाइकल एरिया बताया, तो उस एरिए के भी अगर मैं एक छोटा सा पर्टिकुलर एरिए में ही मुझे लगता है कि इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन आ रहा है, ठीक है, तो एक सिंगल मैग्नेट को मैं टेप में चिपकाकर उस पॉइंट पर लगा दूंगा। तो एक सिंगल स्टार मैग्नेट से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है। अब किसी को पूरे एरिया में प्रॉब्लम है, ठीक है, गर्दन में है, स्पाजम हो गया, पूरी बॉडी में स्टिफनेस हो गई है, ठीक है, तो या तो इससे बड़ी साइज की टेप लीजिए या ये वाली टेप लीजिए और इसको डबल कर लीजिए, या इससे बड़ी एक टेप आती है 1 इंच की, वो लीजिए और मैग्नेट्स को लाइन से इस तरीके से चिपका दीजिए। इसमें आपको 9 मैग्नेट्स का यूज करना है, 9 स्टार मैग्नेट्स आप यूज करेंगे इसमें। जिस भी एरिया में प्रॉब्लम, जैसे मैंने सिर्फ सर्वाइकल के लिए, तो सर्वाइकल में इस एरिया में, पूरे एरिया में, सेंटर में भी और साइडों में भी पेन आ रहा है, स्पाजम हो गया, तो पहले पॉइंट्स को इस तरीके से एक्टिवेट कीजिए, एनर्जी को खोलिए, मूवमेंट दीजिए, मसल्स की स्टिफनेस खुलेगी, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, ठीक है। ये करने के बाद इन 9 स्टार मैग्नेट्स को एक साथ इस अंगूठे पे चिपका दीजिए। इसका काम क्या है, ये इसने पूरी गर्दन को आपको कवर कर लिया, तो इससे क्या होगा, पूरी गर्दन की स्टिफनेस खुलेगी, किसी को चक्कर आते हैं तो उसमें भी इस तरीके से मैग्नेट लगाते हैं, उसमें एकदम से चीज़ें खुलने लग जाती हैं, सर्कुलेशन एकदम से इम्प्रूव होता है और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। स्टार मैग्नेट को इस तरीके से यूज करते हैं। ये है मीडियम साइज, और इसी तरीके से आप लार्ज साइज को भी इस्तेमाल करते हैं। जब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लगाना होता है तो आप उसी तरीके से मैग्नेट लगाइए, और कोई भी आपका पर्टिकुलर जो पॉइंट है उसके ऊपर जो सिल्वर कलर का हिस्सा है वो आपका हमेशा स्किन से टच होगा, और
ब्लैक वाला जो है वो ऊपर रहेगा, वो इस तरीके से हमेशा आपका मैग्नेट लगेगा, क्योंकि ये प्रेशर करने के लिए होता है, प्रेशर इसी पॉइंट से बनेगा। तो ये आपका हो गया स्टार मैग्नेट का यूज। अब हम लेते हैं ब्यूल मैग्नेट्स को। ब्यूल मैग्नेट्स को थोड़ा सा समझना होगा, पहले आपको प्रॉब्लम का डायग्नोस करना है, प्रॉब्लम कहाँ है, कौन से ऑर्गन में है और किस तरीके से हमें उसके ऊपर मैग्नेट लगाना है। तो मैग्नेट किस तरीके से लगाना है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि पेशेंट की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। जैसे अगर कमर में किसी को पेन है तो यानी कि उसकी किडनी डेफिशिएंट है, हम K5 पॉइंट को टोन करते हैं। तो K5 पॉइंट मेरा कहाँ पर आता है, जीन साइड में आता है, किडनी का K5 यानी कि एंकल जो जॉइंट है मेरा, ठीक है, एंकल जॉइंट से ऊपर या नीचे किधर आता है, K3 बिल्कुल एंकल जॉइंट पे आता है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे देख के बताता हूँ, ये आपका किडनी का हो गया और K5 आपका एंकल जॉइंट से ठीक ऊपर पॉइंट आएगा, तो आपका एंकल जॉइंट उससे ठीक ऊपर आपका K5 पॉइंट आएगा। दोबारा से बना लेंगे जी। अब हम देखते हैं ब्यूल मैग्नेट्स के बारे में। उससे पहले आपको जानना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, कौन से ऑर्गन की एनर्जी डिस्टर्ब है और कौन से पॉइंट्स पे आपको उसको सेडेट या टोन करना होता है। क्योंकि जो हमारे ब्यूल मैग्नेट्स हैं वो एक पॉइंट का काम होता है कम करना और एक पॉइंट का काम होता है बढ़ाना, तो हमें या तो एनर्जी को कम करना है या एनर्जी को ज़्यादा करना है, तो उसी के हिसाब से हमें मैग्नेट को लगाना है। तो बीमारी हर किसी की अलग होती है, उसका डायग्नोस होता है, उसके हिसाब से एनर्जी को फ्लो दिया जाता है, कि एनर्जी कम है तो बढ़ाएंगे, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो कम करेंगे, तो उसी हिसाब से हमें मैग्नेट लगाना है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके अगर बताऊं, तो अगर किसी को कमर में दर्द होता है तो यानी कि किडनी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो उस केस में हम K5 पॉइंट को टोन करेंगे। तो K5 पॉइंट हमारे कहाँ पर आता है, K5 पॉइंट आता है हमारी मिडिल फिंगर में, एंकल जॉइंट से ऊपर K5 पॉइंट आता है हमारा, ठीक है। तो K5 पॉइंट को हमें टोन करना है, तो टोन करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए हमेशा विजिबल की बात करते हैं, क्या दिख रहा है, तो वाइट मैग्नेट दिखना चाहिए। अगर वाइट मैग्नेट दिख रहा है तो यानी कि ये बढ़ रहा है। अगर हम इसी की जगह येलो मैग्नेट लगाते हैं यानी कि दिख रहा है, मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ये चीज आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने वाइट लगाया है, तो वाइट आपका टोनिफिकेशन के लिए हो गया और ये आपका सेडेट करने के लिए हो गया। एनर्जी को कम करना है तो येलो आपका दिखना चाहिए, एनर्जी को बढ़ाना है तो वाइट दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने K5 को टोन किया है, टोनिफाई किया है, तो टोनिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर वाइट विजिबल होना चाहिए, येलो मैग्नेट यानी कि आपका स्किन से टच होगा, तो यहाँ पर आपका K5 टोन होगा और आपको दर्द में तुरंत आपको आराम आएगा, क्योंकि एनर्जी की मूवमेंट तुरंत आती है, तुरंत ही उसका इफेक्ट दिख जाता है इसमें। तो सिंपल सा फंडा क्या है, अगर येलो मैग्नेट है तो वो सेडेट करने का काम कर रहा है, और अगर इसी की जगह वाइट मैग्नेट है जो दिख रहा है, हम दिखने वाली बात कर रहे हैं, ये आपका सेडेट करने के लिए होता है, ये आपका टोनिफाई करने के लिए होता है। एनर्जी को बढ़ाना है तो वाइट दिखना चाहिए, एनर्जी को कम करना है तो येलो मैग्नेट दिखना चाहिए। जी अब हम देखते हैं ब्यूल मैग्नेट का जो है बड़ा साइज, ये हमने आप अभी देखा मीडियम साइज, अब हम देखते हैं लार्ज साइज। देखिए मैग्नेट सेम है, जैसे एक तरफ से येलो होता है एक तरफ से वाइट होता है, सेम मैग्नेट्स होते हैं, एक तरफ से येलो एक तरफ से वाइट, पर ये साइज छोटा है तो हम लोग इसको TCM में यूज करते हैं, ये साइज बड़ा है तो इसको हम क्लासिकल में यूज करते हैं, जैसे Li4 पॉइंट यहाँ पर आता है। अब इसको मुझे बढ़ाना है या कम करना है, अगर बढ़ाना है तो वाइट मैग्नेट दिखना चाहिए, अगर कम करना है तो येलो मैग्नेट दिखना चाहिए।
ठीक है, येलो कम करने के लिए होता है और व्हाइट हमेशा बढ़ाने के लिए। इसका सिंपल सा फंडा याद रखना है, एनर्जी हमेशा व्हाइट अगर दिख रहा है तो यानी कि बढ़ रहा है, और अगर येलो दिख रहा है तो यानी कि कम हो रहा है। ठीक है, ये आपका ब्यूल मैग्नेट्स मीडियम साइज, ब्यूल मैग्नेट्स लार्ज साइज। ये दोस्तों अब हम देखते हैं बार मैग्नेट्स, इनको हम बार मैग्नेट्स बोलते हैं। ये लंबे होते हैं, एक तरफ से येलो होता है, एक तरफ से व्हाइट होता है, इसमें एक ही साइड में दोनों होते हैं। इसमें एक ही साइड में दोनों मैग्नेट्स होते हैं, यानी कि ये लंबा मैग्नेट है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक ही साइड में येलो भी है और व्हाइट भी है। ये एनर्जी को फ्लो देने के लिए होता है। जैसे ये आपका इंटेस्टाइन, आपको इसे क्लियर करना है, क्लियर कहाँ से होगा, नीचे की तरफ। एनर्जी हमेशा मूव करते हैं वाइट से येलो की तरफ, तो हमें एनर्जी को ऐसे बढ़ाना है। एनर्जी कैसे स्टार्ट हो जाएगी, वाइट से येलो की तरफ जाएगी, यानी कि ऐसे एनर्जी जाना स्टार्ट हो, यानी कि क्लीन करना है तो एनर्जी ऐसे जाने स्टार्ट हो जाएगी। एनर्जी का फ्लो बढ़ाना है, ऐसे बढ़ जाएगी। जैसे किडनी, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड में एनर्जी इस तरीके से मूव करती है, ठीक है, तो किडनी की एनर्जी का फ्लो जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो हमें अगर K5 को टोन करना है तो ये जॉइंट्स आपका K5 पे आना चाहिए, यानी कि अब एनर्जी को आपने कम कर दिया, क्योंकि येलो से वाइट फ्लो के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो ये वाइट से येलो की तरफ एनर्जी चलती है, तो हमें देखिए कम करना है तो उल्टा कर देंगे, रिवर्स बढ़ाना है, जो उसका रास्ता है उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ाना, ठीक है। ये फ्लो देने के लिए एनर्जी के ऊपर रखे, एनर्जी जिधर मूव कर रही है उधर वाइट से येलो लगाओगे तो बढ़ जाएगी, रिवर्स करके लगाओगे तो यानी कि वो रिवर्स उसमें आना स्टार्ट हो, यानी कि उसको कम करना स्टार्ट कर। तो इस तरीके से हम लोग बार मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। जी दोस्तों अब हमारा आखिरी आता है चक्रा मैग्नेट। तो चक्रा मैग्नेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, देखिए मैं आपको दो चक्रा मैग्नेट दिखा रहा हूँ। ये एक ही चक्रा मैग्नेट के दो पहलू होते हैं, एक जो चक्रा मैग्नेट है सेंटर से अगर येलो है तो साइडों से वाइट होगा, और अगर साइडों से येलो है तो बीच से वाइट होगा, ये चक्रा मैग्नेट होते हैं। एनर्जी को कम करना है या ज़्यादा करना है, सिंपल सा ब्यूल मैग्नेट का फंडा है, बहुत सिंपल। यानी कि फंडा क्या है, जैसे कि हमें बीच वाले को फोकस करना है, सेंटर में जो मैग्नेट है यानी कि वाइट, वाइट का काम क्या है, बढ़ाना, तो ये मैग्नेट बढ़ाने के लिए हो गया। हमें सिर्फ सेंटर को फोकस करना है, सेंटर में जो मैग्नेट है वो उस पर्पज से लग रहा है, यानी कि वाइट सेंटर में है तो यानी कि ये टोनिफिकेशन के लिए, सेंटर में वाइट साइडों में येलो। अगर हमें कम करना है तो हम येलो सेंटर में रखेंगे और साइडों में वाइट करके रखेंगे, इससे क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी। हमें पूरा फोकस क्या करना है, येलो और वाइट का सेंटर में कौन सा, चक्रा मैग्नेट का सेंटर पार्ट कौन सा है, सेंटर में जो भी होगा, जैसे कि अब एग्जांपल के लिए लेते हैं लीवर, ठीक है। अब लीवर यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्ट होता है, तो अब इसकी एनर्जी को कम करना है या ज़्यादा करना है, हमें अगर एनर्जी को बढ़ाना है तो हम यहाँ पर सेंटर में वाइट मैग्नेट लगाएंगे और साइडों में येलो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें फोकस हमेशा सेंटर वाले को करना है, अगर एनर्जी को कम करना है तो सेंटर में हमारा येलो मैग्नेट आएगा। बहुत सिंपल फंडा है, अगर एनर्जी को कम करना है तो सेंटर में येलो और साइडों में वाइट। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट्स पर किस तरीके से चक्रा मैग्नेट, एनर्जी को कौन से को किस को फ्लो देना है, कौन सा प्रेशर मैग्नेट है, उनका आपको तरीका समझ में आया होगा। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी रहती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि वाइट येलो चक्रा मैग्नेट का इस्तेमाल कैसे होता है, ब्यूल का कैसे होता है, वो चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके उस चीज़ को क्लियर कर देगा। धन्यवाद।